बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आप कहाँ से हैं? आपका वोट कहाँ से है? मेरा वो झारखंड से है। झारखंड से है, तो यहाँ आप किसको सपोर्ट करने आए हैं? यहाँ कमाने के लिए आए हैं। कमाने के लिए तो रैली में कैसे पहुँच गए? कमाने के लिए आए? यहाँ चौक पर से लेबर चौक पे गया, बोला कि हमें चाहिए 10 बंदे। तो फिर आपको क्या उसके लिए कुछ मिला? अभी तक तो खाने पीने का भी नहीं मिला। राजीव जी के बाद आप गाजियाबाद आपकी की सड़क पे हैं। राजीव जी के बाद आप। यहाँ से वोट है नहीं, हमारा घर पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट एटा में। वैसे आप किसको वोट देते हैं? हाँ, हमारा वोट जाएगा सपा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए। बताइए, आप यहाँ कांग्रेस का ट्रक चला रहे हैं, आपका वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा? जी, यहाँ सब यहाँ जॉब कर रहे हैं ना, तो यहाँ करना पड़ेगा। टोपी भी कांग्रेस की सबने आपको पहना दी है, तो सब कुछ पहनना पड़ेगा। जब जिस मालिक है हमारे, मालिक का काम तो करना, तो कुछ सब कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब उग्र हो चुके हैं और ये बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ रैली में आया, तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि उनकी। कौन तानाशाही कर रहा है? तानाशाही सब लोग कर रहे हैं, हमें अपना भाई चले तानाशाही। अच्छा, कौन भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब, तानाशाही कौन कर रहा है? किस बात को लेकर? अरे प्रदर्शन किस बात को लेकर है? किस बात को लेकर प्रदर्शन है? हमें अपने टीम के साथ रहना, हमें कुछ नहीं पता। आप प्रदर्शन करने आए हैं, आपको पता है प्रदर्शन किस बात को लेकर? हमें नहीं पता इस बारे में, हमें रैली में लाया गया है, हम अपने रैली का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या तोड़ने के लिए लाया गया? बैरिकेडिंग तोड़ने आए आप? हमें इस बारे में नहीं पता। हमें किस बारे में पता है आपको? किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है आप लोग? एसपीजी लेने के लिए वापस कर रहे हैं मोदी जी, राहुल गांधी को एसपीजी वापस मिल जाए। अच्छा, एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीजी के फुल फॉर्म? हाँ, आप बताइए एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, आप तानाशाह में झंडे बैनर पोस्टर है, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट? ये हम एक्चुअली में जो राहुल गांधी जी है उनकी एक्चुअली में सीपीजी हटा दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी? देखिए, इसके बारे में मुझे जो है ज्यादा जानकारी नहीं है। कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके मैनिफेस्टो में क्या उन्होंने वादे किए आपको जानना तो चाहिए ना? उसको देखो, मैंने पढ़ा नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? मैं इतना पेपर में नहीं पढ़ता। हिसाब से ना पढ़ना, मन पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं। आप पढ़ लेना। कल क्या है? 13,000 करोड़ कुश्ती डील है। जहाज नहीं होती, एयरलाइन में आपने, सॉरी, जो फाइटर प्लेन होते हैं उसका उसका मुद्दा है। ये रफाल डील जो है कितने की डील है? 16,000। अच्छा, तो ये रफाल क्या है? रफाल उसके बारे में सभी जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। तो फिर आप प्रोटेस्ट कैसे क्या कर रहे हैं? इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर? लेडीज लेडीज आई डोंट नो। कौन है भैया, इतना लंबा क्यों बैंड बजवा रहे हो? मैडम का नाम कैसे बोल रहा? अरे, कोई इंडिया डिफेंस मिनिस्टर नाम किया? डिफेंस मिनिस्टर कौन? डिफेंस मिनिस्टर वो डीपीपी का इनका प्रोसीजर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था। भैया, डिफेंस मिनिस्टर कौन? हाउजर। रफेल कौन से देश का है? ये जर्मनी से हम लोग इसको खरीद रहे हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी का ही जहाज है। रफेल जी बाहर देश का है ये तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ पे इसका घोटाला हो रहा है वहाँ देखा जाएगा ना। मैं तो रफेल किस देश का है? आई डोंट नो। रफेल इंडिया का था? रशिया। रशिया से? मजा आया। बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ।